लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी। एक बात याद रखना, बंधन हमेशा बंधन है। जो आनंद मुक्ति में है वो बंधन में नहीं है। आप विचार करना, बाहर की दुनिया देखो, मैं बाहर से आ रहा हूं, आया मैं भी हूं जेल में और आए आप भी हो। फर्क इतना है कि जब मुझे लाया गया तो चरण धोकर के लाया गया, आपको लाया गया तो आंखों में आंसू देकर के लाया गया। के जीवन का अपना आनंद हुआ करता है। कभी कलकल निनाद करती हुई नदियों को देखना, कभी पहाड़ों से गिरते हुए झरनों का संगीत सुनना, कितना आनंद है उन झरनों में, कितना आनंद है उन नदियों में। प्रकृति का कड़कड़ आनंदित है, हवाओं में घूमता हुआ झूमता हुआ। महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी समाजों को जोड़ने का काम किया है, और यही कारण है जो इन्हें राष्ट्र संत की उपाधि मिली। आज के समय में जब लोगों को अलग करना, लोगों के बीच में विभाजन वाली प्रवृत्तियों को लाना, ये एक बहुत कॉमन बात हो गई है, और लोग अपना मतलब साधने के लिए, अपने बहुत छोटे छोटे मतलब साधने के लिए कभी भी नहीं सोचते कि हम अपने समाज की जो यूनिटी थी, जिसके लिए पूरा विश्व भारत की तारीफ करता है कि हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, धीरे धीरे ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये कम होती जा रही है। तो ऐसे समय इकट्ठा हुए हैं, मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि सब हम सब ललायत हैं महाराज जी के वचन सुनने के लिए, और अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा चेंज आज के इस प्रवचन के बाद में हम लोग अपने जीवन में ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और निश्चित रूप से जिस कारण से और जिस उद्देश्य को लेकर हम गुरुदेव यहाँ आए हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो, ऐसी हम आशा करते हैं कि राष्ट्र संत हमने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से कुछ समय उनको दिया, और महाराज जी आपके इस स्टेप से मुझे लगता है निश्चित ही इनके जीवन में एक बहुत अच्छी इनको एक दिशा मिलेगी और बहुत सुधार आएगा। हम लोग भी समय समय पर इनके बीच में आते रहते हैं, कभी कभी इनसे चर्चा भी करते हैं कि आत्मचिंतन करें कि क्या ऐसा हुआ, क्या कदम इन्होंने ऐसे उठाए जो आज ये यहाँ पर अपने परिवार से दूर हैं, और बाहर परिवार आपकी वजह से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठा रहा है। तो हमारा समय किस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों में लगे, और समाज को हम जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसको जितना हमने आज बचपन से लिया इस देश से, उसको लौटा सकें, ऐसी चीज़ें अपने मन में लाएं, ऐसे विषय अपने मन में लाएं। आप सभी से ये बताना चाहूँगी, वही सिपाही का होता है, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि मानव को मानव बनाने का, बनाकर जीने का दर्जा दिया जाए। लेकिन बस थोड़ी सी गलती हो जाती है, हम तीनों लोग लाइन से बैठे हैं, जो मेरे हिंट को समझ जाता वो इनके हंटर कभी नहीं खाता। मैं संकेत की भाषा बोलता हूं, ये बैत की भाषा बोलते हैं। मैं तुम्हें संकेत की भाषा देने आया हूं, मैं तुम्हें हिंट की। I'm